नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के सलाइन में। दोस्तों, कक्षा सातवीं प्रथम परख परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का जो पेपर है वो किस प्रकार का रहेगा इस वीडियो में देखने वाले हैं और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि परीक्षाओं के रिगार्डिंग जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, गणित का और विज्ञान का जो पेपर थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो एक बार आप ज़रूर देख लेना और उन प्रश्नों को पढ़ लेना। तो चलिए यहाँ पे हिंदी के प्रश्न है वो हम पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पाठ के जो कवि है वो कौन से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस पाठ के प्रश्न के जो कवि है वो ऑप्शन नंबर ए रहेंगे, शिव मंगल सिंह सुमन। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है वो आपको बतानी है। यहाँ से आपको पूछा गया है रामायण में, प्रसन्न में, गाय या फिर हंसना, इन चारों में से जातिवाचक संज्ञा बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आप सही करेंगे। आगे देखिए, काका कालकर ने नदियों को क्या कहा है। तो उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप टिक मार्क करेंगे। अगला देखिए, कठपुतली का जीवन था। तो कठपुतली का जीवन है साथियों वो परतंत्र था, यानी कि उसको दूसरों के अधीन रखा गया था, परतंत्र थी वो, आज़ाद नहीं थी, खुद से कुछ नहीं कर सकती थी। जो उसको पकड़ रखा था वो जैसे करवाता वो उसको वैसा करना पड़ता था, इस प्रकार से आपने पाठ में पढ़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। पेड़ का स्वभाव था, तो साथियों पेड़ का जो स्वभाव है वो मिलनसार था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपको टिक मार्क करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को एक पंक्ति में उत्तर देना है। मिठाई वाला एक पैसे की कितनी गोलियाँ देता था। तो साथियों मिठाई वाला एक पैसे की 16 गोलियाँ देता था, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि जो दादी माँ थी वो कितनी मांग रही थी, भाई 25 मुझे चाहिए, ये तो कम है, इस प्रकार से आपने पढ़ा था। तो 16 आपको यहाँ पर लिखना है। कठपुतली कविता के कवि का नाम क्या है। तो भगवती मिश्र था, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये वाला भवानी प्रसाद मिश्र, यही आपको यहाँ पे इसमें लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे वर्ण की परिभाषा आपको लिखनी है, यानी कि देखिए वर्ण जो होता है और शब्द जो होते हैं ये आपको पढ़ना है। हिमालय के कंधे पर कौन चढ़ा हुआ है, इसका आपको आंसर देना होगा, ठीक है। पक्षी क्या सपना देखते हैं, तो पक्षी सपना देखते हैं कि हम उन्मुक्त आकाश में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रहे, किसी के परतंत्र में ना रहे और कहीं भी आ जा सकते हैं, इस प्रकार का वो सपना देखते हैं। लेकिन आपने पढ़ा था कि उसको पकड़ लिया जाता है सब, और पक्षियों को पिंजरे में डाल दिया जाता है, तो वो परतंत्र रहना पसंद नहीं करते हैं, वह उन्मुक्त गगन में बिल्कुल स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, ऐसा वो सपना देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई थी, ये आपको बताना पड़ेगा। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था, ये भी आपको बताना होगा। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी, ये सारे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पढ़ लेने हैं, ये आपके पाठ के पुस्तक के पूछे जाएंगे। और आपका जो प्रथम टेस्ट होगा उसमें आपके एक से लेके और 4 या 5 पार्ट जो है उसी में से पूछे जाएंगे और उसी के सारे प्रश्न यहाँ पे शामिल कर लिए गए हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है वो आकाश में बिल्कुल स्वच्छंद रूप से विचरण करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, और नदियों का मीठा पानी पीना चाहते हैं, वो कटोरी का पानी नहीं पीना चाहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई जो कि आपको लिखनी होगी। आगे देखें, यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा और 3 उदाहरण देना है। साथियों संज्ञा की विशेषता, ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है, सर्वनाम बोला जाता है, ये तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी साथियों अगर आपको हिंदी के व्याकरण से रिलेटेड सभी पेपर के या कोई भी टॉपिक होता है उसका टेस्ट देना है तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको PDF फाइलें और टेस्ट वगैरह है वो आपको मिल जाएंगे। ऐप जो है वो एजुकेशन लाइन के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी देखिए परिभाषा लिख ली है इस प्रकार से, और 3 उदाहरण आपको देना है, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं वह, ठीक है, यह है, ठीक है, या फिर आप और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वह गांव जा रहा है, यह तो किताब
उसकी है, राम की है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उदाहरण सहित। तो ये आपको देखना होगा, ये सारी चीज़ें, ये प्रश्न मैंने बता दिया है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और भी पेपर जो है आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आपका कोई कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।